who is giving money and who is getting that money should be totally transparent. ये कॉमोडोर लोकेश बत्रा है। 1967 में इंडियन नेवी कमीशन होने के बाद लोकेश बत्रा ने साल 2002 में रिटायरमेंट ली। पिछले लगभग दो दशकों में कॉमोडोर लोकेश बत्रा मल्टीपल आरटीआईज फाइल कर चुके हैं और अपनी आरटीआईज के थ्रू बहुत से रिफॉर्म्स भी करा चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड हियरिंग में लोकेश बत्रा का एक बड़ा हाथ है। उन्होंने आरटीआईज फाइल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स में होने वाले खर्चे और सरकार द्वारा छुपाई जा रही डिटेल्स पर जोर दिया। बिलियनर्स आर बाइंग, टैक्सपेयर आर पेइंग फॉर इट। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर हियरिंग चल रही है। पिटीशंस फाइल की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर। कहा गया कि ये स्कीम असंवैधानिक है और इसमें बहुत से फ्लॉज हैं, लीगल फ्लॉज हैं जो पिटीशन फाइल की गई। साल 2018 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी। साल 2017 में उस समय के सेंट्रल मिनिस्टर अरुण जेटली जी द्वारा स्कीम को मनी बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। स्कीम क्या थी कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट एक्स वाई जेड, तो वो अमाउंट 2017 से पहले तक कैश में डोनेट किया जाता था। सीधा कैश दिया जाता था और वो डोनेट हो जाता था। लेकिन इस स्कीम के तहत इस कैश में डोनेट करने की प्रोसेस को रोका गया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, यानी कि SBI में जाके जितने भी अमाउंट को आप डोनेट करना चाहते हैं उतने अमाउंट के आप डोनेट खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड क्या होता है? एक पेपर होता है जिस पेपर पर लिख दिया जाता है कि इतना अमाउंट डोनेट किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे खास बात ये थी कि इसके अंदर किसने अमाउंट डोनेट किया और किस पार्टी को किया, इस चीज़ को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। ये कहना था अरुण जेटली जी का भी जब उन्होंने स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, उनका मानना था कि कॉन्फिडेंशियलिटी डोनर की बना के रखना जरूरी है। इवन 70 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू इवॉल्व अ ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच इज वाइटल टू द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। An attempt was made in the past by amending the provisions of Representation of People's Act, the Companies Act and the Income Tax Act to incentivize donations to individual partnership firms, HUF and companies, to political parties. Both the donor and the donee were granted exemption from payment of tax if the accounts were transparently maintained and returns were filed with the competent authorities. An effort therefore requires to be made to cleanse the system of political funding in India. Donors have also expressed reluctance in donating by check and other transparent methods as it would disclose their identity and entail adverse consequences. I therefore propose the following system as an effort to cleanse the system of funding of political parties. The fact is that some of the articles which initially came up, I said, when we are hearing the Honorable Finance Minister speech, the first paragraph we were so thrilled that we are bringing it to transparency. But the moment it says, okay, now those letters which you have done is, the entire scheme and entire expert chain, just to ensure that donor's identity is kept secret. So what they told RBI Governor, I'm going to tell you, if we do that demat and other thing, there are chances of leakage of donor's identity, which is the main focus on this case. कंपनी एक 2013 के तहत एक नियम और बनाया गया था कि अगर कोई भी कंपनी अपनी किसी भी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहती है तो वो कंपनी के रेवेन्यू का 7.5% हो सकता है। इस स्कीम के अंदर ये भी कंडीशन हटा दी गई थी, अब अनलिमिटेड अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द मनी वी रिसीव यस्टरडे नाइट अराउंड 7:38 आई रिसीव द रिप्लाई, दिस वाज अक्टूबर से व्हिच आई शेयर विद यू, 1100 सम आउट करो। वर्स्ट थिंग इज इफ यू लुक एट दैट परसेंटेज, electoral bond have 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. The October sale mein to more than 95% sale was only 1 crore. Who is buying it? Billionaires are buying, taxpayers are paying for them. They get tax free, political parties get tax free. And that commission and the printing charges are accepted by the government. In other words, taxpayers' money. And even printing of electoral bond form is met by
you know, government. When you say government, means taxpayer. Right. Okay. So we use the word billionaires buying it. Tax-free, political parties getting tax-free, anonymous thing, because they are not supposed to know. Electoral bonds, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh और 1 करोड़ की अमाउंट में इशू किए जाते हैं. यानी कि अगर आपको किसी पार्टी को 100 करोड़ रुपए इशू करने हैं, डोनेट करने हैं, तो आपको 1-1 करोड़ के 100 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने होंगे. वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा. ये जो बॉन्ड का पेपर आपको मिला है, ये पेपर आप पार्टी को जाके अगले 15 दिन के अंदर सबमिट कर सकते हैं और वो बॉन्ड और वो पैसा पार्टी को डोनेट हो जाएगा. हु इज गिविंग मनी एंड हु इज गेटिंग दैट मनी शुड बी टोटली ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज व्हाट द आरबीआई वाज सेइंग डीमैट. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगी यू कैन कैप्चर व्हाट टू व्हाट. बट दे सेड दैट वाज द मेन एम ऑफ कीपिंग इट सीक्रेट. आई एम नॉट ए आरटी एक्टिविस्ट. टू थिंग्स आई मस्ट क्लियर इट. आई कॉल माई सेल्फ ट्रांसपेरेंसी कंपेनर. सी आरटी इज नॉट वेपन. वेपन यूज फॉर एनिमी. एक्चुअली दीज आर अवर पीपल सिटिंग देयर. इट इज अ वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट इफ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग देन यू मस्ट वर्क फॉर टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. आई थिंक माई टाइम आई हैव डन एट लीस्ट लॉट. But recently it's very difficult to even get information. मामले की हियरिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है. कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी.